Edge and gone. Top edge. Will it fall safely? And another one. And another one. New Zealand. Oh, he's got a wicket. Has he connected? He has. इधर मेरे साथ हैं सिद्धार्थ और हम लोग सब साथ एक साथ क्रिकेट टीम में खेलते हैं एशलॉन क्रिकेट क्लब वोरीज में और मेरे साथ सिद्धार्थ हैं और ये कल की मैच की प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे कि कल का मैच जो है इंडिया और न्यूजीलैंड का है और उसमें क्या होगा. डिपेंड्स ऑन द टॉस. जो भी टॉस जीतेगा वो 60-40 रहेगा. स्टार्टिंग 6 ओवर्स इंडिया का एंड स्टार्टिंग 6 ओवर्स पावर प्ले इंडिया का. विकेट लेंगे, रन बनाएंगे 45 प्लस वन विकेट, नॉट मोर देन वन विकेट, 160 प्लस इफ वी आर चेजिंग, देन नॉट मोर देन 140, देन वी शुड बी गुड. और टॉस में क्या होगा? 50-50 है. टॉस जीत के क्या करना चाहिए? फील्डिंग, नो डाउट फील्डिंग, नो डाउट फील्डिंग. एंड स्टार्टिंग में 6 ओवर्स में हमको विकेट निकालना पड़ेगा. जो भी है गप्तिल खेलता है, आई डोंट नो, हिज फिंगर इज इंजर्ड एंड इवन केन विलियमसन ही इज इंजर्ड, सो इफ यू प्लेस तो वो लंबा खेलेगा. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर गप्तिल का जो भी रिप्लेसमेंट आएगा दे विल गो फॉर शॉट्स, ट्राई टू कंट्रोल द बाउंड्रीज. 40 के अंदर अगर हम लोग उनको रेस्ट करते हैं और बीच में आई डोंट नो अगर वरुण चक्रवर्ती लेंगे, आई थिंक आई वुड प्ले वरुण चक्रवर्ती एंड अश्विन बोथ सिंस इट्स अ न्यूजीलैंड एंड वी आर प्लेइंग इन दुबई और इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेश पिच और इट्स गोइंग टू बी यूज पिच. क्योंकि कल का जो मैच हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान का और आज जो मैच हुआ है वो दुबई में, अगर वही पिच यूज़ करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ यूज पिच. अगर नया पिच यूज़ करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. सो आई वुड से 140 इफ यू आर चेजिंग, इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट 165 प्लस देन वी आर गुड. ऑलराइट, थैंक यू सिद्धार्थ. यहाँ हमारे साथ गौरव हैं. आपने पहले वीडियो में देखा होगा गौरव को. गौरव की प्रेडिक्शंस थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में और आप कल जो है बहुत क्रूशियल मैच है इंडिया का और न्यूजीलैंड का, तो गौरव से भी उनके थॉट्स लेते हैं कि गौरव क्या कहते हैं. देखिए जी, सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन गलत थी. पाकिस्तानी आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद. सुनो और लेटर ये होना था, बट आपकी टीम बहुत अच्छी खेल रही है. कल का गेम दो चेंजेस इंडियन टीम को मेरे हिसाब से करने चाहिए. भुवी की जगह शार्दुल ठाकुर को आना चाहिए और पांड्या की जगह, अगर पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा है तो ईशान किशन को आना चाहिए. तो टीम फिर वही बात है, पेपर पे थोड़ी बेटर होगी. हमारा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ खराब है. पिछले 18 सालों से उनसे आईसीसी बेस्ड इवेंट पे नहीं जीते हैं. पर इट्स व्हाट्स दैट सेड, इट्स द सेम थिंग. विच एवर टीम विंस द टॉस गेट्स द एडवांटेज इफ दे फील्ड फर्स्ट, क्योंकि ड्यू आएगा. अगेन इट्स अ गेम ऑफ 150-180 रन्स. इफ द टीम दैट बैट्स फर्स्ट दे गेट 150 प्लस, द क्लोजर दे गेट टू 180 दे आर एट एडवांटेज. I think India has a slightly upper hand. It's a strong team. They had one bad game. They'll come back. India. That's what I think. India. Thank you so much. Or either Sanjay once again. India. संजय, आप क्या कहते हैं कल के मैच के लिए इंडिया और जो न्यूजीलैंड में होने वाला है? It's gonna be a tough game. The team that wins is in, the team that loses is out. Basically, that's what it is. So, essentially, India has to perform. It has to step up. And जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो वापस से नहीं होना चाहिए और जीतना ही चाहिए. और कुछ है ही नहीं. Like, you know, there's no other result. You have to win. And that's what it is. Like, you know, you have to win. That's it. So आप क्या समझते हैं इंडिया को क्या करना, कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो न्यूजीलैंड को आराम से मैच हरा? No, I believe like, you know, there has to be some change in the playing 11. I do think that Shardul Thakur should be back into the playing 11, and then Pandya, like, you know, I guess, like, you know, he has a shoulder injury, he shouldn't be playing, but you know, whatever the team, like, you know, coordinators decide, like, you know, the coach and the captain decides, that's what it is. But I do believe like Shardul Thakur has to be in the team, no doubt about it. He's an all-rounder. He can come and he's actually like, you know, the game changer. Like, you know, वो bowling में जब ही आ जाता है, like, you know, he actually takes a wicket and the game changes. That's what it is. Thank you, Sanjay. Thank you so much. Thank you. अशोक मिर्यालकर, आपका क्या ख्याल है कल के मैच के लिए, कल न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के लिए आपकी क्या prediction? I think 50-50 chance. You know, New Zealand has a very good bowling options.
whereas I don't know, they're coming to India, they don't have a good, they have good batting, but they're not clicking. If they play to their strength, yeah, I'd say, it's 50-50 chance. Welcome to Mango Prime Entertainment. आपकी खिदमत में हाजिर है समीर सरफराज. एक दफा फिर T20 सीरीज के मैचों के बारे में बात करेंगे. आज मेरे साथ हैं अदनान और संदीप. दोनों क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं अदनान, और लीग क्रिकेट खेलते हैं संदीप. इनसे आज बात करेंगे, और हम आज बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच जो कि कल हुआ था. हम बात करेंगे न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच, और हम ऑल्सो बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच जो होने जा रहा है. तो अदनान और संदीप, मैं थोड़े से स्टैट्स मैंने निकाले, तो मैं ये देख रहा था कि न्यूजीलैंड और जो इंडिया का मैच होने जा रहा है वो लगता है काफी कांटेदार मैच होगा. तो उसमें क्या कहते हैं, मैं देख रहा हूँ बुमराह ने क्या कहते हैं 9 खेल चुके हैं और उसमें 10 विकेटें ले चुकी हैं. न्यूजीलैंड और इंडिया का जो T20s हुए हैं वर्ल्ड कप में, सुधी जो है उन्होंने 12 इनिंग्स खेली हुई हैं और 17 विकेट्स ले चुके हैं. सुथी जो है उन्होंने 12 इनिंग्स खेल के 10 विकेट लिए हुए हैं. अगर हम बैटिंग की तरफ आएँ तो केन विलियम्स ने 11 इनिंग्स खेली हैं इंडिया के खिलाफ, 95 उनका हाइस्ट स्कोर रहा है. रोहित शर्मा ने 13 खेली हैं और 80 के पास स्कोर किया, और विराट ने 70 के करीब स्कोर किया, और उन्होंने 9 इनिंग्स खेली हुई हैं. टोटल 16 मैच इन लोगों ने खेले हैं आपस में T20 के, जिसमें से 6 इंडिया ने जीते, 8 न्यूजीलैंड ने जीते और 2 बराबर रहे. तो संदीप, अब आप ये बताएं कि अगर इंडिया पहले खेलता है तो क्या इंडिया को क्या स्कोर करना चाहिए और इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से अभी गेम्स चल रहे हैं, मुझे लगता है 160 इस पार स्कोर, और न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अच्छी है चेजिंग में जी. तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उनको टारगेट रखना चाहिए करीब 180 का. ठीक, क्योंकि उनके पास विलियमसन है जो कि ही इज़ अ मास्टर ऑफ चेज, एंड वो अपनी इनिंग्स को बड़ा अच्छा टाइम करते हैं कि किस तरह किस समय एक्सेलरेट करना है, किस समय डिफेंड करना है. तो 180 आई थिंक वुड बी ए गुड स्कोर ऑन द पिच. अदनान, आप न्यूजीलैंड के हवाले से बताएं कि आप क्या देखते हैं कि न्यूजीलैंड को क्या स्कोर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी न्यूजीलैंड की होनी चाहिए? संदीप ने हमें कहा जैसे 170-180 का स्कोर अगर इंडिया कर ले तो दे विल बी इन अ गुड पोजीशन. राइट, न्यूजीलैंड का प्लान ये होगा कि इंडिया को जो है 150 रन से कम उनको बनाने दें अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है. और ऑफ कोर्स अगर न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करता है तो इंडिया का भी ये होगा कि इनको 150 से ऊपर ना जाने दें, क्योंकि जितने भी अभी तक वर्ल्ड कप के मैच स्टार्ट हुए हैं 150 पे सेकंड टीम ने रोक के रखा हुआ है. और इतना इजी नहीं हो रहा कि 150 में भी शारजा में और यूएई में और अपना दुबई ग्राउंड पे इतना आसान नहीं हो रहा मैच. अगर आप याद रखें तो एक ही मैच है जो 190 किया था, वो भी मेरा ख्याल है अफगानिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान ने नमीबिया को आई बिलीव स्कॉटलैंड को 60 रन पे आउट कर दिया था. तो इंडिया के लिए ये मैच बड़ा क्रूशल मैच है, जिसमें अगर उनको इस टूर्नामेंट में रहना है तो इंडिया ने कल मैच जीतना है, क्योंकि न्यूजीलैंड 2 मैच खेल चुका है और इंडिया ने सिर्फ 1 मैच खेला है. अच्छा, इंडिया का जो एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे कल का मैच में नज़र आ रहा है कि इंडिया का जो पहला मैच पाकिस्तान से हुआ था 24th को, और अब जो 31st को होना चाहिए, इसमें 7 डेज का टाइम पीरियड है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी इन खिलाड़ियों को आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करके रखेगा. और हमें तो चाहिए कि भाई इंडिया कल का मैच जीतता है तो अगर फ्यूचर में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम तो और ज़्यादा खुश होंगे, या इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आता है तो ट्रॉफी हमारे पास सब कॉन्टिनेंटल में रहेगी. तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए. अगर न्यूजीलैंड कल मैच जीतता है और अगर न्यूजीलैंड ने 160 प्लस रन भी बना लिए हैं तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है कल के मैच में बनाना. तो दुबई के तो स्टेडियम में नमी भी ज़्यादा होती है, तो टॉस जो तीन टीम जीते आपको क्या लगता है वो बैटिंग करेगी कि बॉलिंग करेगी? नहीं, जो टॉस जीत रही है वो फील्डिंग करेगी. तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो अच्छा है क्योंकि आपने जब पहले बैटिंग करेंगे वो टाइम वहाँ पे हो रहा होगा 5:30 बजे का टाइम, बिल्कुल सन वहाँ पे जा रहा होता है, लाइट्स अभी ऑन नहीं होती और ग्राउंड बिल्कुल ड्राई होता है. लेकिन जैसे ही आपके 7:30-8 बजे के टाइम सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे बिल्कुल नमी स्टार्ट हो जाती है. बड़ा खुला इलाका है दुबई का, आसपास में कोई घर वर नहीं है, बिल्कुल समझे कि डेजर्ट में बना हुआ है ग्राउंड और शहर से बहुत दूर है. अदनान, उससे पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच भी हुआ तो आप कहते कि शारजा की ग्राउंड में मैच होगा, और जो शारजा की ग्राउंड है वो छोटी है. जब लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी तो स्कोर तो इतना ज़्यादा बना नहीं, वो शारजा की आपने जैसे कहा था ग्राउंड है 170-175 के स्कोर की, और 135 का स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया उसमें, और पाकिस्तान ने जब खेला तो पाकिस्तान
थोड़ा सा स्ट्रगल करता नजर आया एक दो जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया हारे सली की वजह से। तो क्या वजह आप बताएंगे कि स्कोर इतना ज्यादा नहीं हुआ और कौन सी टीम ज्यादा अच्छी मतलब खेली और ये उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी? देखिए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत फास्ट विकेटों पे खेलने की आदी हैं, और जब भी ये हमारे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं, ये टीम जो टॉप क्लास होती है वो बिल्कुल सेकंड और थर्ड पे चली जाती है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती बॉल हमारे शारजा में, इंडिया में, पाकिस्तान में बड़ा बॉल रुक के आता है और स्पिनर्स को बड़े फ़ायदे होते हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम शुरू के बॉलर्स को तेज़ खेलें, जिस तरह शाहीन को हुआ और रऊफ को हुआ, लेकिन उसमें वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। मैं आज भी ये कहूँगा कि शारजा जो है 170 प्लस का ग्राउंड है, वहाँ पर ड्यूक कम होती है। इवन दो के पाकिस्तान ने जीत कर फील्डिंग की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो वो लास्ट मैच में अपनी प्लानिंग करते हैं उन्होंने सेकंड मैच में ही वही प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को बहुत कम रन पे आउट कर दिया। अच्छा, तो जब क्या कहते हैं सूदी और सूदी एंड सूदी दोनों ही न्यूजीलैंड के हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, तो संदीप आप ये कैसे देखते हैं कि नया मैच अब जो आ रहा है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का होने वाला है, तो उसमें दोनों तरफ से क्या कहते हैं जो टीमें हैं बहुत एक्सपीरियंस हैं, इंडिया की भी विराट हैं और जो न्यूजीलैंड के साथ उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, सूदी और सूदी दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इंडिया के खिलाफ दोनों ने 13-13 मैचेस खेले हुए हैं, तो आप इस बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इंडिया की हमेशा एक प्रॉब्लम रही है लेफ्ट आर्म ओपनिंग बॉलर के अगेंस्ट। देखिए कभी भी आमिर को देखिए, आमिर के अगेंस्ट या अभी के मैच में शाही अफरीदी के अगेंस्ट जी, बोल्ट के अगेंस्ट, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट, हमेशा उनकी लेफ्ट आर्म इन स्विंगिंग बॉलर के अगेंस्ट वीकनेस रही। ठीक है, और इसी बात का फ़ायदा न्यूजीलैंड उठाना चाहेगी फ्रंट के 2-3 ओवर में। ठीक, अगर तो रोहित शर्मा और राहुल निकल गए पहले 2-3 ओवर, जब तक गेंद स्विंग करती है, उसके बाद अगर वो टिक गए तो उनका फॉर्म ऐसा है कि न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेल पाएगी इंडिया के अगेंस्ट अगर वो टिक गए। इंडिया का एक और प्रॉब्लम है कि वो उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है, तो अगर टॉप ऑर्डर ने फायर किया तब तो इंडिया बिल्कुल 100% जीतेगी। ठीक है, पर अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर गिर जाता है जल्दी स्विंगिंग बॉलिंग के कारण जी, तो मुश्किल में पड़ सकती है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बॉलिंग स्पेशली पेस बॉलिंग, अभी बुमराह के अलावा दोनों शमी और भुवनेश्वर दोनों ही इतने फॉर्म में नहीं चल रहे। भुवनेश्वर की बॉल इतनी स्विंग कर नहीं रही है, वो विकेट लेने की बजाय विकेट कंटेन, रन कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका स्किल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का फायदा ऊपर उनका टॉप ऑर्डर, और न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर काफी अच्छा है जी, गप्तिल और काफी तेज खेलते हैं, विलियमसन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, विलियमसन तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मतलब उनका तो पूरा गेम ही जो है ना एक टेक्निकली बोलते हैं साउंड गेम है। ठीक, तो सबसे ज्यादा खतरा इंडिया को विलियमसन और गप्तिल से होगा। ठीक, अच्छा, तो अब दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जी, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो ज्यादा प्रेशर में खेलेगी, इंडिया की या न्यूजीलैंड की? मुझे लगता है दोनों टीम प्रेशर लेने वाली टीम नहीं है, दोनों टीम बड़ी आराम से खेलती है, वो प्रेशर में नहीं खेलती, हारे जीते प्रेशर में नहीं खेलती दोनों टीम, तो मैच बड़ा कांटे का होने वाला है। दोनों टीम की फील्डिंग जबरदस्त है, और कल के मैच में ये ज़रूर होगा कि हम देखेंगे कि दो एक रन आउट, दो एक कैचेस ऐसे होंगे जो कि गेम बदल देंगे, तो उस चीज़ का आप देखिए, बिल्कुल ऐसा मौका आएगा जब एक ब्रिलियंट कैच होगा या ब्रिलियंट रन आउट। सो संदीप, यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस, तो हम भी क्या कहते हैं इस मैच के बाद भी हम आपकी राय लेंगे इसके ऊपर। अदनान, आप मुझे बताइए, लगता है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इज इन सेमीफाइनल्स, पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है अपने ग्रुप में, और अगला मैच भी उनका नामीबिया के साथ है और उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ है, जो रिलेटिवली थोड़ी कमजोर टीमें हैं ग्रुप के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनके साथ कैसे खेलेगा और क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या उनके ऊपर मिडिल ऑर्डर को वहां पर टेस्ट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि अपने दो प्लेयर्स को पाकिस्तान रेस्ट कराए नामीबिया के खिलाफ,
और उसमें हसन अली को रेस्ट करा के आप मोहम्मद वसीम को लेकर आएँ, एक तो ये चेंज करें इस मैच में, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आपके सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं तो आप उनको चांस मिले, और जो उनका स्कॉटलैंड के साथ मैच होगा उसके साथ भी वो यही करें कि वो जो बाहर धानी बैठा हुआ है धानी को ज़रूर चांस दें। धानी इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, अभी तक उसको पाकिस्तान में डेब्यू नहीं करवाया, वो टीम के साथ पिछले एक सालों के साथ टीम के साथ है, तो उसको भी एक चांस मिलना चाहिए। मैं इधर पीछे जाऊंगा, इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करता हूं कल की थोड़ी सी, कि जैसा संदीप भाई ने कहा कि दोनों टीमें प्रेशर लेने वाली नहीं है, ऑफकोर्स इतने मैचेस वो लोग खेल चुके हैं एक साथ। इंडिया को कल चाहिए कि वो शुरू में जो 6 ओवर हैं उसमें अपनी विकेट को कंटेन करें। अगर इंडिया ने अपने फर्स्ट 6 ओवर में उनके बॉलर्स को 6 ओवर के लिए रोक लिया जी, और तो ये आपका जो बोर्ड पे स्कोर होगा 170 प्लस इजीली होगा, ठीक। और एज द फैक्टर ऑफ ड्यू इन दुबई, यस ऑफ कोर्स वो रहेगा, जो टीम टॉस जीतेगी यही नजर आ रहा है कि वो फील्डिंग को पहले प्रीफर करेगी कल के मैच के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच के बारे में, कैसा रहा? आपकी प्रेडिक्शन भी थी कुछ, तो कुछ बताया हमें उस बारे में। जी मैंने खुद प्रेडिक्शन की थी, और जो है कि ये मैच इतना आसान नहीं होगा, और वैसे ही हुआ, और मेरी प्रेडिक्शन दूसरी भी थी कि पाकिस्तान अगर इतना स्कोर करता है तो जो अफगानिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, और अगर अफगानिस्तान ने 160 प्लस स्कोर कर देंगे तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा मैच करना। अफगानिस्तान के ऊपर नो डाउट मुजीब है, नबी है, राशिद है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो इनके सामने खेलना, यस अफगानिस्तान से प्लानिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई कि उन्होंने अपने जो बॉलर को, जो अच्छे बॉलर थे उनको पहले यूज़ करके और अपने जो उनके मीडियम पेसर थे उनको लास्ट में लेकर आ गए। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेला, और ये उम्मीद भी थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत अच्छा मैच खेलेगा, उनकी समझ है पाकिस्तान में, राशिद ने बहुत क्रिकेट खेली है, नबी ने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और दुबई में वो सारे मैचेस वगैरह वो खेलते हैं अपने जितने भी उनके लीग मैचेस होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा मैच था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच जीता, और अफगानिस्तान को सलूट करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान जैसी नंबर वन टीम के सामने इतना डट के मुकाबला किया। संदीप आप क्या कहेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बारे में? जैसे क्या कहते हैं, एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच हार जाए, तो आपके क्या इस बारे में व्यूज हैं? तो देखिए अफगानिस्तान की जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, और बड़े जुझारू लोग हैं, मतलब टीम बड़ी जुझारू है, तो उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टीम कैपेबिलिटीज हैं, उसमें वो 120% देते, उनकी बस एक कमी है कि उनके जो सिक्स्थ बॉलर या फिफ्थ या सिक्स्थ बॉलर हैं वो नहीं है, और पाकिस्तान का ने यही फ़ायदा उठाया। और जो अफगानिस्तान ने थोड़ी स्ट्रैटेजी में, जैसे अदनान साहब ने कहा कि स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी कमी रही अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी में, कि उन्होंने लास्ट के जो क्रूशियल ओवर्स होते हैं वो उनके लेस एक्सपीरियंस बॉलर्स बोलो या जो इतने स्किलफुल नहीं हैं उनके जो पेस बॉलर्स, उन पे छोड़ दिया, और ऐसे टाइम में आसिफ जो बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर बैट्समैन हैं, उन्होंने उस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाया एंड प्रेशर में अच्छा खेले एंड जिताया। पाकिस्तान का जो एक थोड़ी सी कमी थी जो मिडिल ऑर्डर में फायर पावर की, वो मुझे लगता है आसिफ अली के होने से बहुत बहुत दूर तक उन्होंने फुलफिल कर दिया। क्योंकि देखिए शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ हफीज़ जो है ना, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनमें वो फायर पावर नहीं है जो यंग ब्लड में होता है जी। तो मतलब आफरीदी की याद ताज़ा हो गई आसिफ को देख के? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अदनान, एक टाइम पे तो लग रहा था आखिरी 2 ओवर में जब पाकिस्तान के पास 12 गेंदें बाकी बची थी और लंबा स्कोर था, अगर आसिफ 4 छक्के नहीं लगाते तो मैच तो हाथ से निकलता लग रहा था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ मैच बिल्कुल जो एंड में था, वाकई सबकी दिल की धड़कनें लग गई थी कि मैच जो है हम लोग जो है मैच हार जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। हमारे पास अभी शादाब था नॉन स्ट्राइक पे और हसन अली था, एंड दे आर बोथ आर कैपेबल टू डू सिक्सेस, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन अगेन जैसे संदीप भाई ने भी मैंशन किया दोबारा कि उनके जो इतने स्किल वाले बॉलर थे वो नहीं थे, उसका हमें एडवांटेज था क्योंकि उनके टॉप क्लास बॉलर के ओवर्स 4 ओवर्स कम्प्लीट हो चुके थे, तो हमें पता था कि एज अ क्रिकेटर वी आर वॉचिंग कि ये मैच जो है जितना पाकिस्तान नहीं है, या एक थोड़ा सा एक क्रिकेट होती है इसमें थोड़ा सा थ्रिल आता है इस तरह टाइप का कि एक कोई जो ज़्यादा सीनियर टीम नहीं होती वो एक कोई ना कोई एक दो खिलाड़ियों को आउट कर देती है, जिस तरह शोएब मलिक आउट हो गया, उस वक्त उसका नहीं आउट होना चाहिए था, लेकिन दिस इज़ क्रिकेट, ऐसा होता है।
तो लेकिन चांसेस पाकिस्तान के ही थे, अगर आखिरी ओवर में 14-15 रन भी चाहिए होते तो पाकिस्तान ही की जीत थी। तो मुझे ये बताएं दूसरी तरफ क्या क्या हुआ, या आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी तो 70-75 के स्कोर के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उसके बाद कोई खिलाड़ी हम लोग आउट नहीं कर सके, क्या हमारे बॉलर्स के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, क्या कोई स्ट्रैटेजी में कोई चीज़ ऐसी पाकिस्तानियों ने की जो काम नहीं की? और अदनान पहले आप बताइए और संदीप फिर मैं आपसे भी मशवरा लूँगा। हुआ ये कि जब अफगानिस्तान के हमने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए और पाकिस्तान की हिस्ट्री है जब हम सामने वाली टीम को इतना प्रेशर में आके 5-6 आउट कर देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं कि ये मैच हम जीत गए, क्योंकि बहुत पाकिस्तान की 90s से जो मैं मैच वॉच कर रहा हूँ कि हम लोग पहले से जीत का जश्न मनाना शुरू करते हैं ग्राउंड के अंदर, वो आपको बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ जाता है। तो उस वक्त पाकिस्तान ढीले हो गए, लेकिन नबी ने और गुलाब ने जिस तरह बैटिंग करी सिंगल सिंगल ले के और अपनी टीम को उन्होंने 148 तक पहुँचाया वो बहुत इंप्रेसिव था। तो उन्होंने बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली। यस, अगर यही अफगानिस्तान के शुरू का एक बैट्समैन भी 40+ रन बना देता और ये 180 और 190 अफगानिस्तान बोर्ड पे डाल देते तो पाकिस्तान के लिए बहुत गेम बचाना मुश्किल हो जाता। तो मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान की जो टीम है अभी सीख रही है, ठीक, उनको वर्ल्ड एटलीस्ट जो एलीट जो क्रिकेटिंग नेशंस है उनके साथ खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जी। तो उस कारण से जब वो जैसे मैंने बोला बहुत जुझारू है तो बैटिंग में भी उनका नजर आ रहा था कि उनका ये था कि किसी भी तरह जो है ना रन बना ले जी, तो उनको डरने का हार नहीं था। तो वो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो खेलते गए कि क्या कहते हैं हम शॉट मारेंगे चले गए तो अच्छा है, नहीं तो मतलब हारने का डर नहीं है। ठीक, जब लेकिन मोहम्मद नबी और इनके जो दूसरे बैट्समैन थे ये थोड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन, इन्होंने खेला हुआ है इंटरनेशनल, ये IPL भी खेले हुए हैं, PSL भी खेले हुए हैं, दूसरे लीग्स भी खेले हुए हैं जी। तो इनको इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस है। तब जब 4-5 विकेटें गिर गईं तो इन लोगों ने आके जो संभाला है वो उस दरमियान जो एक्सपीरियंस दिखाया है इन्होंने जी, ये उनके इंटरनेशनल एक्सपोजर का फ़र्क है। तो आपके ख्याल में ये क्या कहते हैं टीमें शायद बराबर थी लेकिन एक्सपीरियंस विन इन द एंड। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में एक बॉलर की कमी थी, एक पेस बॉलर जो फुल आउट पेस बॉलर है उसकी कमी थी। तो अदनान आप क्या कहेंगे जब गुलबदीन और मोहम्मद नबी ने बॉलिंग शॉलिंग की तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर थोड़ा सा हिलने लगा था एक टाइम पे, उन्होंने ऊपर नीचे 2-3 विकेटें जब ले ली पाकिस्तान की तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के रन रेट में थोड़ी सी कमी आई, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? हाँ, ये होना था, ये हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि मुजीब के और राशिद के जो ओवर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान को बहुत संभल के खेलना है। बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन बाबर आजम ने जो हिसाब से थोड़ा सा उनको 7वें-8वें ओवर में थोड़ा सा अपने आप को बैटिंग में पुश करना चाहिए था या एग्रेसिव कोई ना कोई शॉट खेलना चाहिए था, उन्होंने बहुत लेट शॉट खेलने की कोशिश करी और आपने देखा राशिद ने उनको पकड़ भी लिया और आउट भी कर दिया। तो ये मैं देख रहा था थोड़ा सा, और संदीप आप थोड़ा सा बताएं क्या पाकिस्तानी थोड़ा सा क्या रन रेट उनको ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा रन रेट में कमी नहीं आई कहीं? नहीं, मुझे लगता है कि रन रेट वगैरह सब ठीक था उनका, उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, उनको राशिद के ओवर निकाल देने चाहिए थे। बाबर ने जो ओवर खेला राशिद का जी, एक छक्का लग गया था, आपको ज़रूरत नहीं थी कि एक फुलिश शॉट खेला जाए, आप अगर राशिद का वो ओवर निकाल देते उसके बाद बहुत आसान था गेम ख़त्म करना, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। T20 में लास्ट के 5-4-5 ओवर में 10 रन का एवरेज बहुत मामूली सी बात। तो अदनान मैच तो होने वाला कांटे का, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं बेट कर लूँ, कोई पैसे शैसे लगा लूँ, तो क्या प्रेडिक्शन होगी आपकी और संदीप की कि क्या चांसेस हैं इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के, आप कितने परसेंट न्यूजीलैंड के चांस हैं, कितने परसेंट इंडिया के चांस हैं? 60 इंडिया, 40 न्यूजीलैंड। संदीप आप क्या कहेंगे? तो कांटे की टक्कर है जी, टीमें बराबर हैं, लेकिन मैं तो इंडिया के साथ ही जाऊंगा और मेरा प्रेडिक्शन है 75% इंडिया, 25% न्यूजीलैंड। सो आप दोनों के प्रेडिक्शन के हिसाब से आप 60-40 और 75-25, चलें देखते हैं
और आप लोगों ने तो मेरे लिए कोई रूम छोड़ी नहीं, मतलब कोई बेट मैं सही लगा नहीं सकता। तो चले, आपकी दोनों की प्रेडिक्शन हमने नोट कर ली हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आप लोगों ने जो प्रेडिक्शन दी कि कौन पहले खेलेगा, कितना स्कोर करेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं डिब्रीफ करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैंगो प्राइम एंटरटेनमेंट आपके सामने इस तरह की सीरीज लाता रहेगा। प्लीज़ वॉच, लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।